बेशक पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहल्ला क्लीनिक दीआं सहूलतां देण दे वड्डे वड्डे दावे करदे हन, पर इन्हां दाव्यां च किन्नी सच्चाई है इस दा पता फिरोजपुर दे मोहल्ला क्लीनिक मल्लावाला च वापरी इस शर्मनाक घटना तों साफ जाहिर हुंदा है, जिथे एक औरत ने मोहल्ला क्लीनिक दे गेट अगे ही फर्श ते बच्चे नूं जन्म दिता। परिवार वालिया दे दसण मुताबक उन्हां दी बेटी गर्भवती सी, देर शाम उसनू दर्द होण लगा तां उसनू मल्लावाला विखे मोहल्ला क्लीनिक लिआंदा गया, पर अग्गों हस्पताल दे गेट नूं ताला लग्या होया सी, कोई भी उस दी मदद लई अगे नहीं आया, जिस कारण उन्हां दी बेटी दी डिलीवरी बाहर गेट ते ही हो गई। जदों इन्हां हालातां विच वी उन्हां दी बेटी दी कोई केयर लई नहीं आया तां उन्हां ने अपनी बेटी नूं उत्थों लिजा के किसी निजी प्राइवेट हस्पताल इलाज करवाया। हुण देखना यह होवेगा कि सूबा सरकार इस शर्मनाक घटना तों की सबक लैंदी है तां जो अजिही शर्मनाक घटना दोबारा किसी नाल ना वापरे। अज बड़ी शर्म वाली गल आ कि मल्लावाले दे विच मैं पहुंचा और मल्लावाले जो मैं गया तो उत्थे मैनूं एक जानकारी प्राप्त हुई कि जेडे भगवंत मान जी ने मल्ला क्लीनिक बनाए सी। मल्ला क्लीनिक तां कदे बनाए सी, बिल्डिंगां तां बनाईआं कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि मल्लावाले दा हॉस्पिटल की गल कर लईए चाहे कसवाणे की गल कर लईए तां इन्हां ने उहदे उपर आपदी फोटो ला ली और मल्ला क्लीनिक का नाम देता। जे मल्ला क्लीनिक बनाए सी आम आदमी पार्टी ने ते अज पहली बार होया इतिहास दे विच कि जदों एक प्रैगनेंट लेडी जिहड़ी आ ਉਹ ਮੱਲਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਟੀਆ ਕੋ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੇਸ ਥਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਨਰਸ ਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਥਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਥਾ। ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਘਰ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ मैं प्राइवेट डॉक्टर को बुला कर करके हमने अपने बेटिया के इलाज करवाया, सुरक्षा से हुआ। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो, सरकारी अस्पताल में सरकार बोलती अच्छा इलाज होगा, अच्छा दवाई मिलेगी, तो फिर कैसे देखते हो इसको? तो सर वहाँ कर्मचारी रहे कि गरीबों आदमी को जो से सरकारी हॉस्पिटल में ले जा कर करके हमको अच्छा होना चाहिए कि हमारे मरीज सुधार हो जाए, कि हमारे मरीजों की कुछ सहारा हो जाए, कि हमारे मरीज ठीक है। और जब वहाँ कोई कर्मचारी या कोई डॉक्टर नहीं करेगा तो वहाँ पे मरीज तो मरना ही मरना है। गड़बड़ था और ले गया तो 11 बजे रात को वहाँ पे गया, गने के बाद बच्चे हो गया धरती ते, और ना कर्मचारी था ना डॉक्टर कोई नहीं था। और वहाँ पे आने के बाद फिर प्राइवेट डॉक्टर को बुला के तब उसके दवाई उवाई करवाया हूँ। आपकी क्या लगती है जिसका इलाज करा? ये तो 9 लगता मेरे। क्या नाम आपका? हलमान चौधरी। हेलो, सरकारी हॉस्पिटल है तो मेरा चाहिए कर्मचारी उस रहना चाहिए, रात बिरात जब डिलीवरी कर लेकर के गया तो रहना चाहिए उस जगह। तो आप ऐसा हॉस्पिटल नहीं चाहिए। आप वहाँ पे लेके गए आपकी जो? हाँ, लेके गए तो मारुति से लेके गया, कोई नहीं कर्मचारी है। तो बच्चा कहाँ पे हुआ? फिर थल्ले हुआ, जमीन पे हुआ। हाँ, थल्ले हुआ, डिलीवरी हो गया, क्या करेंगे, वापसी हो गया। ऐसे डॉक्टर था वहाँ पे? कोई नहीं था, सारे छुट्टी लेकर चले गया घर।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਪਟੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੈਟਰ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।